बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। कोरोना की जंग से जीतने बस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जहां केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ये अभियान सफल होता नजर आ रहा है। जी हां, बिलासपुर जिला में 100% हेल्थ वर्कर्स व फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को इस अभियान से जोड़ते हुए उन्हें कोरोना का टीका लगाया गया था। तो वहीं दूसरे व तीसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में 45 साल से अधिक आयु के 110,000 लोगों को इस अभियान का हिस्सा बनाया गया था और जिला के PHC, CHC व जोनल अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना का टीका लगाया गया था। वहीं लोगों में जागरूकता भी दिखी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रयास के चलते जिला में 45 साल से अधिक आयु के 100% लोगों ने कोरोना की पहली डोज ले ली, जबकि 30,000 से अधिक लोगों ने दूसरी डोज लेकर अपना टीकाकरण सर्कल पूरा कर लिया है। वहीं 18 साल से 44 साल के बीच जिला में लगभग 2,00,000 लोगों को 14 वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगनी है, जिसमें अब तक 5,771 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। जिला बिलासपुर में वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, तो बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जो 45+ वाले लोग थे वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 हैं, तो हमने ये टारगेट अपना अचीव कर लिया है। अब जो कुछ लोग बाहर से आए होंगे, जो बच्चे हैं, उनको ही लग रही है, बाकी तो ऑलमोस्ट हमने अपना जो टारगेट 45+ वाला वो सारा कवर कर लिया है। तो 1,10,000 से ज़्यादा डोजेज हमने लगा दी हैं और 30,000 के आसपास हमारी सेकंड डोज भी ये लोग ले चुके हैं। लेकिन अब सेकंड डोज और फर्स्ट डोज का गैप क्योंकि बढ़ा दिया गया है, 84 दिन का कर दिया गया है, तो अब ये 84 डेज काफ़ी लोगों के होने वाले हैं, तो अब ये सेकंड डोज का जो आंकड़ा है ये भी बड़ा तेज़ी से बढ़ेगा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।